हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड एम्पियर रेटिंग ऑफ एलटी एल्युमिनियम एंड कॉपर केबल के साइज और उसका करंट रेटिंग के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, के जो एलटी केबल है वो इंडस्ट्रियल प्लांट या कंस्ट्रक्शन प्लांट बड़े बिल्डिंगों में इसका यूज होता है। पैनल के इनकमिंग या आउटगोइंग केबल के लिए इसका जरूरत पड़ता है, यानी केबल के साइज के अनुसार उसका करंट रेटिंग, यानी चाहे वो कॉपर का हो तो कितना होगा, एल्युमिनियम का हो तो कितना होगा, यानी जब वो केबल अंडरग्राउंड हो यानी इन द ग्राउंड हो, या डक्ट में हो या एयर में हो। आप इधर देखिए, कॉपर केबल इधर जो केबल का साइज दिया गया है 1.5 to 400 तक रेटिंग का साइज का एक केबल दिखाया गया है इसके राइट साइड में, यानी जब वो ग्राउंड में है तब देखिए कॉपर केबल का रेटिंग, करंट रेटिंग इतना है। जब वो डक्ट में केबल रहेगा कॉपर केबल, तब देखिए उसका जो है रेटिंग क्या है, चेंज हो रहा है। जब उसी केबल को जब एयर में रहेगा, नहीं होगा वो, तो देखिए तो उसका रेटिंग क्या है, यहाँ अलग रहेगा कुछ कॉपर का। उसी तरह ये देखिए, जब जो इधर केबल साइज इधर दिखाया गया है उसका रेटिंग, इधर जब डक्ट में रहेगा, सॉरी ये जब ग्राउंड में रहेगा केबल, अल्युमिनियम केबल का करंट रेटिंग देखिए इतना है, और जब ये इसी को जब डक्ट में इधर अल्युमिनियम केबल को जब रखेंगे तो क्या होगा, इसका रेटिंग देखिए चेंज हो रहा है। उसी तरह जब उसी केबल को एयर में लिंक करेंगे तब क्या होगा, इसका देखिए करंट रेटिंग पहले से कितना चेंज हो रहा है। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है कि इसके साइज के अनुसार, केबल के साइज के अनुसार कॉपर और अल्युमिनियम केबल का करंट रेटिंग कितना होना चाहिए, ये जरूर सबको पता होना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रीशियन है, इंजीनियर है, ये पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह मैं समझाया शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।